हेलो गाइस, नमस्ते वणक्कम सत श्री अकाल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, एज इन रिव्यू टर्म्स में होने वाला है, बट ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली बाइक से अलग होगा, बट बाइक के बारे में नहीं है वो। आज होने वाला है टॉपिक का डिस्कशन जो हमारा, वो है इस बैग के बारे में जो कि है वाइटेरा क्लॉ। एक बहुत बढ़िया बैग है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। सो होता क्या है कि जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं, हमें चाहिए होता है काफ़ी सारा लगेज कैरी करना। अगर 5 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का, तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम बट सारे इंपॉर्टेंट सामान लेके जा पाएँ। स्पेशली जो भी अगर व्लॉगिंग करता है उसके लिए कैमरा गियर्स, और विंटर अगर विंटर्स में आप राइड कर रहे हैं तो आपको थर्मल्स लेने पड़ेंगे। बहुत सारे और चीज़ें होते हैं जो कि आप कैरी करते हैं। अगर कोई भी रिमोट लोकेशंस में ट्रैवल कर रहा है तो फिर टेंट कैरी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं जो कि हमें कैरी करना होता है। कुछ एक सामान होते हैं जो कि हमें राइड के दौरान ज़रूरत पड़ते नहीं है, जो कि हमें पहुँचने के बाद काम आते हैं, तो हम उसको अच्छे से पैक कर लेते हैं। बट बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि हमें क्विक एक्सेस चाहिए होते हैं, कहीं पर किसी ने रोका या वॉल लाइट या कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, तो फिर वो हम लोग उसको अलग से पैक करते हैं, जो कि जनरली टैंक पैक में होता है या बैक पैक में होता है। बट जिसमें हम सबसे ज़्यादा सामान कैरी करते हैं वो हमारा होता है टेल बैग या तो फिर सैडल बैग। तो मेरे पास तो फिलहाल सैडल बैग नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो बाइक का जो इसका जो लगेज कैरिंग कैपेसिटी था काफ़ी कम है। स्पोर्ट्स स्टोर है बट इसमें ज़्यादा लगेज हम कैरी कर नहीं सकते हैं। सो होता क्या है ना कि यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है इसमें लगेज बांधने के लिए। इसमें आता है एक लुविया का सैडल स्टे, तो आपने सैडल बैग खरीद लिया तो फिर वो हो सकता है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज़ मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने सैडल स्टे लगाया और सैडल बैग लगाया, हो सकता है कि साइलेंसर पर टच हो, तो इसलिए मैंने कभी आज तक ट्राई भी नहीं किया। बट ज़रूर करना है आगे, क्योंकि मुझे चाहिए एक सैडल बैग भी जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैं लगेज कैरी कर सकूँ। सो लेट्स सी वो कैसे होता है। बट आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कम्प्लीटली मेरे वाइटेरा जो क्लॉ बैग है, उसमें रीज़न भी बताऊंगा मैंने ये ख़रीदा क्यों है। क्योंकि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में दो बैग्स आते हैं, एक तो वाइटेरा का क्लॉ बैग आता है, एक राइनॉक्स का ग्रैब आता है, जो कि दोनों अच्छे बैग्स हैं। बट जो कि राइनॉक्स का जो ग्रैब है बैग, मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं रहा, बिकॉज उसका जो कट बना हुआ है, नीचे शेप बना है, वो काफ़ी शार्प है, मतलब स्क्वायर शेप में है, जो कि मेरे बाइक में फिट नहीं होगा। वेयर इन इसमें आप देख सकते हो जैसे कर्व, एक कर्व सा बना हुआ है ये वाला, तो ये देखो। सो इसमें जो है कर्व सा बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये बढ़िया से एकदम शेप में बैठ जाता है ऐसे। अभी खाली बैग है तो फिर ये वैसे लटक जा रहा है दोनों साइड, अदरवाइज फुल होने के बाद ये बढ़िया से रहता है एंड ये मोस्टली किसी भी बाइक पर फिट हो सकता है। सो ये एक रीज़न है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि ये देखो रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। जनरली मैं तो इनका यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरा बैग हमेशा कवर रहता है, तो ये एक रिफ्लेक्टर्स हैं। अगर बिना कवर के आप अगर राइड कर रहे हैं तो ये हेल्प करेगा। यहाँ साइड में रिफ्लेक्टर्स है और यहाँ पर है साइड में। सो ये तो कुछ एक छोटे छोटे फीचर्स हैं। ऊपर से यहाँ पर एक जिप दिया हुआ है, जिप ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जल्दी से रखने के लिए, और ओपन ये मेन कंपार्टमेंट है इसका, खुल जाए यार। हाँ ये मेन कंपार्टमेंट है, ये बताता हूँ क्या है और ये सब क्यों है। सो यहाँ पर एक जिप है ऐसा कुछ, फिर इधर एक जिप दिया हुआ है, यहाँ एक जिप है। सो ऐसे काफ़ी सारे जिप है और साइड में दोनों साइड, और इस बैग की ये खासियत है साइड में दोनों साइड उन्होंने दिया हुआ है बड़े बड़े पाउच, ऐसे बड़े बड़े पाउचे जिसमें ना आप आराम से 5 लीटर वाले 2 जेरिकेंस रख सकते हो अपने सामान के अलावा। सो जेरिकेंस के लिए आपको एक सेपरेट स्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ ऐसे फिट करने की ज़रूरत नहीं। इसमें आराम से एक 5 लीटर्स वाले 2 मतलब 10 लीटर्स का और एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हैं फ्यूल। सो ये हो गया। और वैसे मैं बताता हूँ ये कम्प्लीटली 100% वाटर प्रूफ बताती है कंपनी, और एक्चुअली में है, क्योंकि मैंने इसको रेन में भी काफ़ी चलाया है, जो कि एक्चुअली एक बूंद पानी नहीं गया। और रीज़न है उसका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका बिल्ड क्वालिटी जो कि बहुत अच्छा है, और जिप क्वालिटी देखो, ये जिप भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये तो सॉरी कंपनी का नाम है, मेरे को लगा वाटरप्रूफ लिखा हुआ है। उसके अलावा पहले अंदर आप जब सामान पैक करते हो, एक आपको पहले रेन लेनर मिलता है, इसके अंदर आप सामान पैक करते हो जो कि बैग के ही शेप का है। उसके अलावा बैग पैक होने के बाद ये एक और रेन कवर जो कि बाहर लगता है, सो डुअल रेन लाइनिंग है, तो इसके कारण डेफिनेटली बैग थोड़ा सा, थोड़ा नहीं 100% वाटरप्रूफ हो जाता है।
और मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहा है क्योंकि बारिश में हम जनरली कोई भी राइडर होता है ना, बारिश में जाता है या कहीं भी जाता है तो फिर थोड़ा सा ईजी पड़ता है ऐसा बैग अगर हम लेकर ट्रैवल करते हैं तो। तो ये था मेरे बैग के बारे में। और इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊँ बहुत क्लोज से तो देखो स्टिचिंग, देखो स्टिचिंग का क्वालिटी बहुत अच्छा है। हम लोग इसको काफ़ी टाइट करके बांधते हैं, स्पेशली मैंने काफ़ी इसको खींच खींच के बांधा हुआ है, भले कोई भी स्टिचेस हो, चाहे ये हो चाहे ये सब हो, तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से बांधा है, बट कभी ये लूज़ नहीं हुआ या ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ इसके बारे में। सो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट दिस पर्टिकुलर बैग। एंड एक और जो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद नहीं आई है वो है इसका जो डबल डी रिंग दिया हुआ है बांधने के लिए, जो कि काफ़ी स्ट्रांग नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये लूज़ हो जाता है कभी कभी, एज इन बहुत इसके लिए हमें बंजी कॉर्ड चाहिए होता है बांधने के लिए। अदरवाइज आई फील दिस इज़ अ गुड बैग, मेरे को ओवरऑल अच्छा लगा। और कैसे इसको बांधते हैं वो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। आज जो हमारा वीडियो है जस्ट इसके क्वालिटी के बारे में, मेरे को कैसा फील हुआ उसके बारे में, बट अदरवाइज़ बैग बढ़िया है। बस ओनली इसका डीमेरिट है कि जो इसके लिए टाइम बांधने के लिए जो इतने सारे वो दिए हैं बहुत ज़्यादा फर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बस ये मुझे एक फील हुआ है। उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा बंजी कॉर्ड हमें चाहिए होते हैं ताकि हम अच्छे से फिक्स कर पाएँ इसको। उसके अलावा आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर टू टॉक अबाउट। बैग अच्छे से फर्मली सेट हो जाता बाइक पर बैठ जाता है, और काफ़ी सारे इसके ऐसे मतलब ये सब डिटैचेबल नहीं है तो ये निकलते नहीं हैं कभी इस बैग में से। ऑलवेज यू हैव टू कैरी लाइक दिस, ये हमेशा ऐसे रहते हैं इसमें स्टिच होके, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट वो काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, गुम होने का टेंशन नहीं है, अगर गुम हो जाता है फिर ट्रिप में तो फिर प्रॉब्लम है। सो वो एक अच्छी चीज़ है। मटेरियल देखो काफ़ी बढ़िया, अंदर से एक थोड़ा सा कुशनिंग जैसा है, बाहर से थोड़ा सा रफ सरफेस है, एंड स्टिचेज आर वेरी गुड, जिप अच्छे हैं, फिर एक कॉन्फिडेंस भी देता है एक्चुअली, काफ़ी स्टेबल रहता है। मतलब अगर आपने ये अच्छे से नहीं बांधा, ये वाला जो पार्ट है अगर अच्छे से नहीं बांधा है तो डेफिनेटली लूज़ हो जाएगा। बट ये जो डबल डी रिंग है इसमें दिया हुआ है ये वाला आपको बांधने के लिए, पता नहीं क्यों ये अच्छे से फर्मली टाइट नहीं होता, यू नीड अ बंजी कॉर्ड टू टाइट, बट वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 150-200 रुपये में या और अच्छे वाले चाहिए तो वो वाले बंजी कॉर्ड्स ला के आप बांध सकते हो। सो वो एक बार बांध दिया तो दिस इज़ अ वेरी गुड टू, और ये एक बार बांध दिया तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से इसको कैरी कर सकते हो। और इसमें ऐसा कुछ इफ़ यू आर कैरिंग इट, लेट्स से बाइक से उतारा, हाउ डू यू गो टू योर होटल और एनीवेयर, सो यू कैन जस्ट कैरी इट लाइक दिस। अगर बाइक भरा भी है, इस सबको ऊपर रखो, इस सबको ऐसे ऊपर रखो, यू कैन जस्ट कैरी इट लाइक दिस। पूरा फुल करके मैंने इसको कैरी किया, और अभी तक ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है अब इतना अच्छा है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और होगा तो वो भी बताएंगे, कहीं टूटता तो आप लोगों को पता लग जाएगा। बट फिलहाल तो इट्स अ गुड बैग, यू कैन जस्ट कैरी इट लाइक दिस, जो कि अच्छी बात है। और हाँ, पकड़ने के लिए एक और चीज़, ये देखो यहाँ दोनों साइड में ऐसा भी दिया हुआ है पकड़ने के लिए, दोनों साइड में ऐसा कुछ दिया हुआ है, सो दैट यू कैन पिक इट अप एंड पुट इट ऑन योर बाइक देन स्टार्ट टाइंग, सो जो कि एक अच्छी बात है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट माय बैग वाइटेरा का, जो कि ट्रैवलिंग के लिए या राइडिंग के लिए एक टेल बैग है, काफ़ी एक अच्छा बैग है, एंड इट्स अ वेरी गुड, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अगर कोई सोच भी रहा है तो। क्योंकि इसका मेन बात है कि इसका जो नीचे वाला शेप है वो काफ़ी मतलब एक किसी पर्टिकुलर बाइक को लेकर नहीं बनाया, सो इट हैज़ दैट कर्व सरफेस वेर इन इट कैन फिट ऑन एनी काइंड ऑफ बाइक, जो कि अच्छी बात है। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द बैग एज वेल। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई दिस बैग, दिस इज़ अ वेरी गुड बैग, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाई दिस वन, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट करता है। एंड इसके अलावा प्रॉब्ली आप और एक्स्ट्रा सैडल बैग लगाना चाहो तो शायद वो लगा सकते हो, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक बार फुल होने के मतलब यहाँ पर लगाने के बाद आई डोंट नो सैडल बैग के लिए जगह बचता है कि नहीं बचता, लेकिन यू कैन डेफिनेटली गो टू अ पर्टिकुलर शॉप एंड दोनों लगा के देख सकते हो कि आपके ये क्लॉ प्लस अब सैडल बैग दोनों आते हैं कि नहीं आते। सो ये आपके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं लेना ये वाला चीज़, बट अदरवाइज़ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप यू आर डूइंग फाइन। चलो हम मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो पे, किसी नए व्लॉग के में, किसी नए चीज़ के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहो, बाय बाय, सिया।